तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ क्लॉक टावर द फूड बाजार के बुफे एरिया में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तारीख टाइम बस होने ही वाला है और लोग अच्छे तरह से अपनी प्लेटें को फिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कराची के सबसे बड़े और शानदार बुफे पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन, अफगानी और उसके अलावा और भी बहुत सारे मज़ेदार किस्म के खाने। इन डिशेस की तादाद ना सिर्फ दूसरे बुफे के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है बल्कि यहाँ का रेस्टोरेंट भी आउट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट और साथ में समंदरी हवा और समंदर का माहौल भी। तो चलिए रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, आपको बताता हूँ इस बुफे में हमें कौन कौन से डिशेस मिलती हैं, उनका नाम क्या है, उनका टेस्ट कैसा है, बुफे की प्राइस क्या है, साथ ही मैं आपको बताऊँगा इस रेस्टोरेंट का नाम और इसके लोकेशन भी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नाम बताऊं, रेस्टोरेंट का नाम है द क्लॉक टावर फूड बाज़ार और यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म के इफ्तार प्लस डिनर बुफे और उसके अलावा सहरी भी, लेकिन आज जो हम आए खासतौर पर इफ्तार के लिए आए। तो चले अपनी सीट पर चलते हैं, आपको बताता हूँ सबसे पहले इस रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट। चले तो दोस्तों मैं अपनी टेबल रिजर्व करवा चुका हूँ। इससे पहले कि मैं हम आपको किचन में लेकर जाए, मैं आपको पहले इधर की प्राइस बता दूँ इस बुफे की। इसकी प्राइस है 2500 रुपीज़ और इस प्राइस में हमें देते हैं कराची का सबसे बड़ा इफ्तार प्लस बुफे। तो चलें आप बुफे एरिया में और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से खाने मौजूद हैं। चलें तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ क्लॉक टावर द फूड बाजार के बुफे एरिया में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तारीख टाइम बस होने ही वाला है और लोग अच्छी तरह से अपनी प्लेटें को फिल कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर मौजूद आइटम के नाम बता दूँ जो कि अभी हमें मिल रहे हैं सिर्फ इफ्तार के लिए, जिसमें हमें मिलते हैं अलग अलग किस्म के पकौड़े, चिकन सैंडविच, मिनी बर्गर, उसके अलावा पाकिस्तानी डिशेज में आपको मिलता है मटन पाया, निहारी और चाइनीज़ राइस है। साथ में आपको मिलते हैं दो अलग अलग किस्म की चाइनीज़ ग्रेवी, उसके अलावा दो इटालियन पास्ता हैं जिसमें मिलता है वाइट पास्ता और रेड पास्ता, और उसके अलावा यहाँ पर मौजूद है फ्रेड रोल और बारबेक्यू रोल भी, और उसके साथ मिलता है ज़बरदस्त किस्म का सूप भी, और उसके अलावा डिज़र्ट और बहुत अलग अलग किस्म के सैलड्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो चले अब हम भी अपनी प्लेटों को फिल करते हैं और आपको बताता हूँ मैंने कौन सा आइटम लिया और उनका जगह कैसे है। चले तो दोस्तों मैं गर्मा गर्म सा फिलहाल इफ्तार लेकर आ चुका हूँ और अजान का टाइम बस होने लगा है, तो क्यों ना सबसे पहले इफ्तार किया जाए। तो बिस्मिल्लाह अच्छा सबसे पहले मैं लेकर आऊँ गर्मा गर्म से इफ्तारी आइटम जिसमें है समोसे, पकौड़े, स्पैगेटी बहुत ही यमी सी, और उसके अलावा है बारबेक्यू रोल। तो चलें सबसे पहले इन्हीं को ही टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इनका जायका कैसे है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउट क्लास, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ के सभी इफ्तारी आइटम जैसे मैंने लिए हैं चिकन समोसे, पकोड़े, उसके अलावा पटेटो के पकोड़े, उसके अलावा बारबेक्यू रोल और यहाँ के चिकन स्पैगेटी, बहुत ही मज़ेदार है और खाने में इनका बहुत ही अलग से और एक मज़ेदार सा डिफरेंट सा जायका है, बहुत मज़ेदार लगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इन आइटम को खाता हूँ और उसके बाद हम लेकर आएंगे यहाँ के दूसरे आइटम और बताऊँगा उनका जायका कैसा है।
तो फ्रेंड हमारी इफ्तारी के आइटम तो हो चुके हैं, अब मैं लेने आया इधर के डिनर आइटम, जो कि आप मेरे सबसे पहले पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं 3 से 4 किस्म के बारबेक्यू। मैं यहाँ पर लूँगा कबाब और उसके अलावा चिकन बोटी, और फिर उसके बाद मैं लूँगा मटन कढ़ाई, फैट पॉन्स और फैट फिश भी। तो फिर यहाँ पर अपनी प्लेटों को फिल करते हैं और आपको टेबल पे बैठ के उनका रिव्यू करके देते हैं। तो फ्रेंड अब हमारे आ चुके हैं यहाँ पर डिनर के आइटम, जो कि दिखने में ही बहुत ज़बरदस्त लगे क्योंकि इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। और मैं आपको इनके नाम बता दूँ मैं अपने लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। मैंने लिया है यहाँ की एक सब्जी चिकन की, स्पाइसी भी मिलती है और सादे भी, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और उसके अलावा बारबेक्यू में सी कबाब है, टिक्का बोटी है, और उसके साथ मिल जाता है गर्मा गर्म से चपली कबाब भी, वो मैंने लिए हैं। साथ में फ्रेड प्रॉन और फ्रेड फिश है, बहुत ही यम्मी लग रही थी। और यहाँ पर जो एक बहुत ही यूनिक है मटन का आइटम, वो है यहाँ की मटन कढ़ाई, वो लेकर आया हूँ। तो चले अब इनको मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। इतने सारे फूड आइटम का सबका अलग अलग रिव्यू देना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ओवरऑल इनके टेस्ट का आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं यहाँ की स्पेशल मटन कढ़ाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, वाकई में बहुत मज़ेदार है। ढाबे पर मिलने वाली मटन कढ़ाई होती है स्पाइसी और स्मोकी सी, सेम वही वाली कढ़ाई है। और उसके अलावा जो इसके मटन का टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरे अच्छी तरह से पका हुआ है। और मैंने टेस्ट करी है यहाँ की स्पेशल सब्जी भी, बहुत ही सॉफ्ट है और फ्रंट से मुँह में घुलती है, और ऊपर जो इसकी स्क्रीन है वो बहुत जूसी और क्रिस्पी सी है। जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो काफ़ी जूसी सा फ्लेवर आता है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर में मुझे बहुत अच्छे लगे वो यहाँ के चपली कबाब हैं और फैट प्रॉन्स और फैट फिश, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है। तो चले अब इनको पूरा कंप्लीट करते हैं और आपके लिए एंड में लेकर आऊँगा यहाँ का डिज़र्ट और आपको बताऊँगा इनकी प्राइस भी। तो दोस्तों मैं डिज़र्ट लेकर आ चुका हूँ, और डिज़र्ट से पहले मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश मिली, जो कि है यहाँ की स्पेशल मटन की मंदी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और लोग काफ़ी ज़्यादा शौक से इसको ले रहे थे, तो मैंने भी लिया और इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम मटन मंदी ही खाने जाते हैं तो जितने पैसे का ये बूफे है उतने ही पैसों की सिर्फ मटन मंदी आती है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का बूफे कितना ज़्यादा रीज़नेबल है। तो इसको टेस्ट कर तो आपको बताता हूँ इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार मंदी के रायसा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, हल्का सा गरम मसाले का फ्लेवर लेकिन कम स्पाइसी। और जो यहाँ की ये मटन का मीट है बहुत ही टेंडर और जूसी सा है, बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ लगाने से ही टूट रहा है, तो बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब इसको टेस्ट करने के बाद अब मैं टेस्ट करूँगा हमारा यहाँ का डिज़र्ट, जो कि मैं लेकर आया हूँ। मैंने लिया है ख़ास तौर पर यहाँ की स्पेशल कस्टर्ड है उसको, उसके अलावा शाही टुकड़े लेकर आया हूँ, शाही खीर है, दो अलग अलग किस्म की पेस्ट्री है, और लबेशरी गुलाब जामुन। तो बिना रुके टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इनका डिज़र्ट भी कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टेस्ट करना चाहूँगा यहाँ का ये जो कस्टर्ड है स्पेशल उसको। बहुत ही यम्मी, आउट क्लास टेस्ट। तो दोस्तों हमारा डिज़र्ट भी हो चुका है, तो ओवरऑल मैं यहाँ के टेस्ट के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त और आला स्पेशल किस्म का टेस्ट है हमेशा की तरह, चाहे वो यहाँ की मटन कढ़ाई हो या मटन मंदी हो।
चिकन सब्जी हो या उसके अलावा बारबेक्यू और दूसरे इफ्तारी के आइटम और ख़ास तौर पर यहाँ का डिज़र्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। रेस्टोरेंट का नाम जैसा कि आपको पता है कि क्लॉक टावर द फूड बाजार है। अगर आपको इसकी लोकेशन भी पता तो आपको मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूँ, इसकी प्राइस है 2475 रुपीज़। और इस प्राइस में मुझे लगता है कि यहाँ का ये स्पेशल इफ्तार और डिनर बुफे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरी तरफ से मैं यही बोलूँगा कि आप अगर यहाँ पर आना चाहें तो इस रमज़ान में ज़रूर आए, इंशाल्लाह यहाँ के खाने आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।